Hey bro, what's up? What's up man? बोल ले भाई, ये अलग मस्ती में है भाई, पूरे घर में घूमता रहता है, कहीं भी किधर भी आ जाता है अचानक से। बॉब से हेलो, नींद में है ये, नींद में है भाई, नींद में। गुड मॉर्निंग है जी सबको, गुड मॉर्निंग। आज मैं टाइम से हूँ, चेहरे पे लगी निखार। आज नहीं भागना मैंने, आज मैं आराम आराम से लूंगा, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट है कॉलेज पहुँचने में। रास्ते पता लग चुके हैं, सिस्टम समझ आ गया, टाइम से भी उठ गया था, नींद अच्छी आई। एक दो दिन एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बट हो जाता है फिर धीरे धीरे, शरीर भी कितना ही रुकेगा। तो सो फार सो गुड, थिंग्स आर वेरी नाइस। अब तो मेरी इंग्लिश में भी एक्सेंट आने लग गया यार। वो यार इनके साथ ना एक्चुअली बात करते करते हो ही जाता है, ऑल को ऑल बोलते हैं, बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, तो वो चीज़ें बनी जाती हैं भाई। हाँ, कुत्तों की ब्रीड इतनी प्यारी प्यारी है ना, ऐसा लगता है रोज़ नहाते हैं। इंसान नहीं नहाते, कुत्ते ज़रूर नहाते हैं। बिल्लियाँ भी सेम हैं, साफ़ सुथरी एकदम। अभी भाई को देखो, मस्त खेल रहा है पीछे, चले गया। चलो जी, मिलते हैं कॉलेज में, बाय बाय। ये देखो जी, कि सर्दी वाले इलाके जो होते हैं ना, सारे घर जो होते हैं ये लक्कड़ के बनाते हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये लक्कड़ के घर बन रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी ठंड पड़ती है काफी, इसलिए लक्कड़ के घर बन रहे हैं ये पूरे के पूरे। गाइज यहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर आते हो और अपना एक तो लाइसेंस लाना मत भूलना, इंडियन लाइसेंस पे आप एक साल ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि काफी सारी जॉब्स जो है ना, उनमें अगर आप अपने सीवी में ये मेंशन करते हो कि आपके यहाँ पे लोकल लाइसेंस है, तो उससे आपको वेटेज मिलती है। नॉट नेसेसरली आपने वो ऊबर चलानी है या गाड़ी चलानी है, दैट्स अ सेपरेट फैक्टर। उसके अलावा लाइसेंस होना बहुत जरूरी है लोकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जॉब्स में, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, फॉर्म है मेरे पास DL5 करके नाम होता है इसका। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इंडियन या कोई भी लाइसेंस जो आपका ओवरसीज का है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो न्यूजीलैंड के लाइसेंस में। और इसका फायदा जो है आपको आगे जॉब्स में फील होगा, बिकॉज दैट विल बी अ एडिशनल पॉइंट और अ ब्राउनी पॉइंट व्हाइल यू आर गेटिंग इंटरव्यूड अलॉन्ग विद दी कंपनीज। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ। फॉर्म में ले आया था, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जाना है और उठाना है। भर दिया है, लाइसेंस रख लिया है, पासपोर्ट रख लिया है, वीजा रख लिया है। अब अपन लोग जाएंगे, मैं, एरिक और श्रेय, और उसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी 50 झंझटें हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो ईजी है नहीं। तो अभी सिर्फ जाके फॉर्म सबमिट करना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, अपने लाइसेंस की कॉपी देनी है। दे विल इवैल्यूएट, देन दे विल सेंड अस अ न्यू डेट, जहाँ पे कि थ्योरी का टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। हाँ भाई, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं आती। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी राइट हैंड ड्राइव है, जैसे कि आपकी इंडिया या बाकी कंट्रीज में होती है। सो दैट्स प्रीटी इजी, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पे, काफी आसान है। सो आई एम श्योर ये हमको काफी हेल्प करने वाला है। तो गाड़ी जरूर सीख कर आना, अगर आपको चलानी आती नहीं आती, वो एक सेपरेट पार्ट है। ये यहाँ पे आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, वो भी एक अलग स्टोरी है। लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलते हैं अभी न्यूलैंड स्टेशन, वहीं पर ये सारी कार्यवाही होती है, फॉर्म भी वहीं जमा कर देंगे। चलो भाई जी, यहाँ पे तो पेट्रोल पंप कोई होता ही नहीं है, खुद ही भरना होता है सब कुछ, कार्ड वार्ड स्वाइप करके खुद ही पेट्रोल डीजल भरो। अपने पास तो गाड़ी नहीं है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, बट दिख नहीं रहा है एम्प्लॉय दूर दूर तक, सब खाली पड़े हैं। देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, बढ़िया यार। तो जी, बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग हो रही है यहाँ पे, अभी के बज रहे हैं सुबह के 10, और ब्रेकफास्ट और बाकी सारी तैयारी कर ली है। ब्रेकफास्ट तो क्या किया, टाइम ही नहीं था, मैंने ब्रेड पैक करके मैं फॉइल में पैक करके ले आया हूँ। यहाँ पे वॉकिंग बहुत करनी पड़ती है। ए भाई, देखा कितना अच्छा लगता है लोग यहाँ पे, सो चीयरफुल, दे विल से हाई टू यू। अभी निकल चुके हैं, मैं हूँ माउंट एल्बर्ट पे ऑकलैंड में, और यहाँ से अपन को जाना है न्यूलैंड मेट्रो स्टेशन। मेरे एयरबीएनबी से कम 20 मिनट का रास्ता है पैदल, बट यहाँ पे कहना थकता नहीं है बंदा, क्योंकि अच्छा लगता है वॉक करना, यू फील रियली गुड। हवा साफ है, रोड्स क्लीन है, स्ट्रीट पर डॉग्स नहीं, एनिमल्स नहीं है, तो मेरे को तो पर्सनली डॉग्स से बहुत डर लगता है, सो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ। अभी जा रहे हैं, और 10 बजे बुलाया था, अभी बज रहे हैं 9:51 हो गए, पता नहीं दिख रहा 9:51 हो गए। टाइम से तो हम पहुंच नहीं सकते,
क्योंकि वी लव भसड़, वी हैव अ लेगेसी ऑफ गेटिंग लेट, वो नहीं तोड़ूंगा मैं। तो हर जगह लेट पहुंचने की अपनी आदत है, और बहुत ही जूते पड़ने वाले हैं। ये एरिक श्रेय वेट कर रहे होंगे न्यूलैन स्टेशन पे, तो यहाँ बहाना भी नहीं मार सकते यार, खाना बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। नया बहाना सोचता हूँ कुछ। चलो चलते हैं यार, अभी लगेगा कम से कम 25 मिनट आई बिलीव, देखते हैं कैसा जाता है अपना दिन। हो गया काम, हो गया। मैं जस्ट वो, आपने वो किया था ना, रजिस्टर किया था ना, करो करो करो। हाँ हाँ, दोनों कर रखे हैं। क्या ये हैं अपने, ये इंडिया से दीपक जी, डॉक्यूमेंट से सब सॉर्टेड है हमारे लाइसेंस के लिए, लेकिन इसमें चक्कर ये है कि एग्जाम में 35 में से 32 नंबर लाने हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं गाड़ी चलानी आती नहीं आती है, थ्योरी है ना, ये साला पंगा है थोड़ा सा, क्योंकि ये ले रहे हैं $100 इसके, और अगर फेल हो गए तो गए। तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स हमने चेक करा लिए, इंडियन सी थे सारे बैठे हुए, बढ़िया हिंदी में फर्स्ट क्लास बात करके उन्होंने हमें समझा दिया है कि सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं। अभी अपन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको डिले कर देते हैं हम लोग, अभी हम $100 अपने नहीं फंसा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ वढ़ लेते हैं इसके बारे में कि एग्ज़ाम क्लियर करना कैसे है, उसके बाद ही थ्योरी एग्ज़ाम को देते हैं। मैडम भी यही कह रही थी कि भाई आप पहले पढ़ लो, थोड़ा समझ लो चीज़ों को, क्योंकि 3 नंबर का ही स्कोप है, अगर 3 नंबर से 4 नंबर गए तो वो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या करेंगे, मतलब मिलेगा नहीं, अपना इंडिया का तो रहेगा ही। तो अब चाह रहे हैं बैंक की और अकाउंट खुलवाने, आई जस्ट होप बैंक अकाउंट भी खुल जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों का खुल गया है। ANZ तो खोलता नहीं है, वेस्ट पैक भी नहीं खोलता इतनी आसानी से, और एक ASB बैंक भी है वो भी इतनी आसानी से नहीं खोलता। BNZ बैंक है जिसमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो पासपोर्ट और वीज़ा के बेसिस पे और एड्रेस प्रूफ के बेसिस पे अकाउंट खोल रहा है, तो आई जस्ट होप ये हो जाए अपना काम, बताते हैं अपडेट देते हैं अगले। खुल रहा है भाई अकाउंट, खुल रहा है, तीनों का खुल रहा है यहाँ पे, बढ़िया बैंक है। आज मैं न्यूलैन मॉल गया था ऑकलैंड में, और यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी बैंक के अंदर। मैंने 2-3 लोग देखे जो नंगे पाँव आए हुए थे, उसके बाद जब मैं मॉल के बाहर थोड़ा सा और भी बाहर गया, मॉल के अंदर ही मतलब बैंक के बाहर, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो थे वो नंगे पाँव घूम रहे थे। अब मसला क्या है, मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग नंगे पाँव घूमते हैं बिकॉज साफ़ सुथरा बहुत है, या क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न है लोग नंगे पैर आ रहे हैं। ऑब्वियसली मतलब अच्छे घरों के लग रहे थे, एंड दे हैव अ बैंक अकाउंट ऑब्वियसली, एंड दे सीम्स टू बी गुड पीपल आउट हियर, न्यूजीलैंडर्स ही लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली यार, कि नंगे पाँव लोग घूम रहे हैं। किसी को पता है तो मुझे बताना यार, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड में लोग नंगे पाँव क्यों घूम रहे हैं, मॉल्स के अंदर वो भी, आई एम श्योर वो गाड़ी तक या पैदल नंगे पाँव ही आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, न्यूजीलैंड में हमारे सारे काम हो गए, बेसिकली अकाउंट खुल गया है बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में। अभी बज रहे हैं शाम के 5, इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पे, और ठंडी रहती है हवा। IRD के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली IRD क्या होता है, IRD इज़ योर पैन कार्ड। तो इंडिया में पैन कार्ड होता है, सारी इनकम वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, सिमिलरली यहाँ पे IRD होता है, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, इसके बिना नौकरी नहीं मिलती। कोई भी एम्प्लॉयर जो है, जैसे इंडिया में भी पैन कार्ड मांगते हैं, ऑफकोर्स कैश की जॉब्स भी होती है, यहाँ पे भी होती है, बट दैट्स इलीगल, कैश इज़ कम्प्लीटली बैंड एंड इलीगल एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो IRD अप्लाई करना ज़रूरी है, उसको अप्लाई करने के लिए एक Realme अकाउंट होता है, Realme इज़ लाइक आधार, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे Realme अकाउंट होता है, वो भी हम लोगों ने खोल दिया है, होपफुली 1-2 हफ्ते में उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, वो नंबर भी आ जाएगा। तो जितने भी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स होती हैं वहाँ पे ये सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। मोटा मोटा काफ़ी काम आज हो गया है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अब हम लोगों को अपना असाइनमेंट भी जमा करना है, पढ़ाई भी करनी है, CV भी बनाना है, नौकरी भी ढूंढनी है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, अभी मैं रह रहा हूँ Airbnb में, तो मुझे इस Airbnb से भी शिफ्ट होना है, मुझे भी एक घर ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्दी। घर यहाँ पे अवेलेबल है काफ़ी, हालांकि इट्स रियली एक्सपेंसिव, आप ये मान के चलो $1.50 के करीब चल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स अब मूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि Airbnb तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आई जस्ट होप अभी जाते हैं घर, असाइनमेंट भी शुरू करना है मेरे को फ्राइडे को, वो भी सबमिट करना है, यहाँ पे वीकली असाइनमेंट्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, कोई कॉमेंट डालना है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स पर डालिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैम। आई जस्ट होप यू गाइज आर सेफ, पॉल्यूशन बहुत हो गया दिल्ली में, यहाँ पर हवा साफ है, तो काम चल रहा है अपना भी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा नाम है मनीष रावत, मिलते हैं जल्दी।